हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम सीखेंगे हिंदी वर्णमाला, स्वर और व्यंजन। पहले मैं सिखाऊंगी स्वर। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, ओ से ओरद, अंग से अंगूर, बड़ा अंग खाली। तो दोस्तों, ये थे स्वर और अब मैं सिखाऊंगी व्यंजन। तो आपने मेरे साथ साथ बोलना है, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अड़ खाली, च से चरखा, छ से छतरी, ज से जग, झ से झंडा, अण खाली, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, अण खाली, त से त्रिभुज, थ से थन, द से दवात, ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भ से भालू, म से मछली, य से यज्ञ, र से रथ, ल से लट्टू, व से वन, श से शलगम, श से षटकोण, स से सेब, ह से हिरण, क्ष से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी। तो दोस्तों, ये थी हिंदी की वर्णमाला, स्वर और व्यंजन। आशा करती हूँ आपको याद हो गया होगा। जिस जिस बच्चे को याद हो गया है, वो अपनी नोटबुक में लिखकर अपनी मम्मा को दिखाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।